सेवेंथ थंब रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग अगर आप एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एट एनुअली फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर, तो आपको 72 को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करने तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने दिन में डबल हो जाएगा। सपोज आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया है एट 8% पर एनम, तो आपको इस रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग 72 को 8 से डिवाइड देना पड़ेगा और 72 / 8 इज इक्वल टू 9 ईयर्स। इसका मतलब है कि 9 ईयर्स में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। इसी तरह रूल ऑफ 114 भी है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने दिनों में 3 गुना हो जाएगा। इसके लिए आपको 114 को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन सेम लॉजिक देयर इज अनदर रूल कॉल्ड 144, जो आपको ये बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट कितने दिनों में 4 गुना हो जाएंगे। कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला सेम है जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसमें 144 को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके इन्वेस्टमेंट कितने टाइम्स में 4 टाइम्स हो जाएंगे। आइडली दीज रूल्स शोज पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। आप एनुअली फिक्स इंटरेस्ट रेट की जगह पे एनुअल ग्रोथ रेट या फिर एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी ले सकते। 100-A's रूल, ये रूल उनके लिए है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपकी एज सपोज 30 ईयर्स है, तो ये रूल कहता है कि 100-30 = 70, मीन्स 70% इक्विटी एंड 30% डेट एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो रिस्क को सूट करेगा। ऑन द सेम लॉजिक अगर आप 35 ईयर्स के हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग 65% इक्विटी एंड 35% डेट एक्सपोजर मेंटेन करना आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट रहेगा। रूल ऑफ 10% फॉर रिटायरमेंट कॉर्पस फंड। जब हम अपने शुरुआती या मिड 20s में अर्निंग स्टार्ट करते हैं, तो सेविंग हमारी लास्ट प्रायोरिटी होती है। लेकिन हम पहले सैलरी से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, तो इन्वेस्टमेंट चाहे कितना भी कम अमाउंट का क्यों ना हो, रिटायरमेंट के बाद के लिए एक अच्छा कॉर्पस फंड क्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी एज 25 ईयर्स है और आप 30,000 रुपीज पर मंथ अर्न करते हैं, और इस सैलरी का 10% मतलब 3,000 आप पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, और इसे हर साल 10% से इंक्रीज भी करते हैं, तो आप अपने रिटायरमेंट के लिए अराउंड 3.4 करोड़ कॉर्पस फंड क्रिएट कर पाएंगे एट द एज ऑफ 60। इसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा अराउंड 97.5 लाख एंड रेस्ट विल बी ड्यू टू रिटर्न एंड ग्रोथ। 4% विड्रॉल रूल, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिटायरमेंट फंड आउटलास्ट करे, तो आपको 4% विड्रॉल रूल को फॉलो करना चाहिए। सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस रिटायरमेंट फंड है और अपने लिविंग एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए आपको 4 लाख रुपए पर ईयर निकालना चाहिए। एज अ रिटायरी अगर आप 4% रूल फॉलो करते हैं, तो ये मेक श्योर करेगा कि आपके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस मेंटेन रहे और उस पर गुड रिटर्न भी आपको मिलता रहेगा। इमरजेंसी फंड रूल, जैसे कि हम सब जानते हैं लाइफ अनसर्टेन है, ऐसे में एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन है यंग इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लेना चाहिए। इस रूल के अकॉर्डिंग 3 to 6 मंथ के एक्सपेंस के इक्वल इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, ये आपको इमरजेंसी में कैश क्रंच होने से सेव करेगा। एट द एंड आई वुड रिपीट सेइंग ऑफ वॉरेन बफेट दैट रूल नंबर 1 नेवर लूज योर मनी एंड रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।